मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि आज के दिन सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए एक टैगलाइन को ट्रेंड कराया जा रहा है और वो टैगलाइन है ब्रूजेस स्क्रीम्स एसएसआर मर्डर, जो कि बिल्कुल ठीक भी है क्योंकि बहुत सारी चोटों के निशान जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पूरे शरीर पर देखे गए थे, जिससे पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि सुशांत को मारने से पहले उन्हें बहुत ही ज़्यादा और ब्रूटली टॉर्चर किया गया था। और वहीं दूसरी ही तरफ सुशांत सिंह राजपूत केस में इस वक्त एक अच्छी खबर भी आ गई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नीलोत्पल मृणाल, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली फ्रेंड भी हैं, उन्होंने एम्स को लेकर एक आरटीआई दायर करी थी, ये देखते हुए कि सुधीर गुप्ता ने मीडिया चैनल्स पर जाकर झूठी खबर फैलाई थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है और टाइम भी बोल दिया था कि 10:10, और उस झूठ का भी भांडाफोड़ हो गया था सुशांत सिंह राजपूत के कुक ने, जो बयान दिया था कि उसने 10:30 सुशांत सर को देखा था, उन्हें खाना ले जाकर दिया था, जिसके ही बाद सुधीर गुप्ता के बयान का रेफरेंस, उसी झूठे बयान का रेफरेंस विकिपीडिया ने भी उठा लिया था और अपनी वेबसाइट पर उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में डिस्प्ले कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने तो भाई सुसाइड किया। अब इसी को लेकर आरटीआई का जवाब नीलोत्पल मृणाल जी को पहले भी मिला था, लेकिन फिर आज और एक रिप्लाई उनके पास आ चुका है जिसको उन्होंने शेयर भी किया है अपने ट्विटर अकाउंट पर, ये देख सकते हैं आप सब। ये है वो रिप्लाई जिसमें कहा गया, सिंस द इंफॉर्मेशन सॉट पर्टेन्स टू मैटर्स रिलेटेड टू सीबीआई, द आरटीआई एप्लीकेशन इज हेयर बाई ट्रांसफर टू सीबीआईज एसआईटी टीम फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द आरटीआई एप्लीकेंट। यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपनी मांगी है ये मामला सीबीआई देख रही है, तो आपका आरटीआई एप्लीकेशन भी सीबीआई की एसआईटी के पास ट्रांसफर कर दिया गया है और वो इस पर डिटेल में आपको जवाब देंगे। जिस पर नीलोत्पल मृणाल जी ने भी ट्वीट कर बताया कि सुधीर गुप्ता लीक्ड इंफॉर्मेशन टू सर्टेन मीडिया हाउसेस इज नल एंड वॉइड, फॉरेंसिक रिपोर्ट फ्रॉम एम्स विल बी ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ एसएसआर केस, देयर आर अदर प्रूफ्स ऑफ एक्यूज्ड चैट्स एंड एविडेंसेस एक्सेट्रा, सुधीर गुप्ता प्लेड वेल बट नॉक डाउन। यानी कि सुधीर गुप्ता ने जो इन्फॉर्मेशन मीडिया चैनल्स पर जाकर लीक करी थी वो पूरी तरह से नल एंड वॉइड है, उसका कोई आधार नहीं है, ये एक सफ़ेद झूठ है। एम्स की रिपोर्ट सुशांत केस में सिर्फ एक पहलू है, उसे आप पूरी तरह से फाइनल नहीं मान सकते क्योंकि इस केस में बहुत सारे और भी चैट्स एविडेंसेस ऑलरेडी सोशल मीडिया पर भी हैं और एजेंसीज के पास भी हैं। सुधीर गुप्ता ने चाल अच्छी चली थी पर उसे झूठ फैलाने पर पटखनी भी खानी पड़ गई है। तो ये था जवाब जो नीलोत्पल जी को आया था, जो कि मैंने आप सबको भी दिखा दिया। इस पूरे मुद्दे पर आपके जो भी राय होंगी आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर हमारी आवाज़ और बुलंद करें। मैं मिलूंगा आप सबसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।